हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून. आप सभी को हैप्पी हैप्पी करवा चौथ. और अभी 1 बज गया है, थोड़ा लेट आज मैं नहाई हूँ, क्योंकि अगर जितना जल्दी नहा लो ना, नहाने के बाद पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो इसीलिए थोड़ा लेट करके नहाई हूँ. अभी ठीक, एकदम ठीक 1 बज रहा है. और यहाँ पे कथा सुनने जाते हैं ना, पहले तो मैं घर में ही सुन लेती थी, लेकिन अभी कोई है नहीं सुनाने के लिए, तो क्लब हाउस में हमारे यहाँ पे सब इकट्ठी होती है मंडली, और वहाँ पे एक कथा होती है और थाली घुमाने का होता है. तो थाली घुमाने वाला जो है वो तो मैं करती नहीं हूँ, तो कथा सुनने का है तो मैं वहीं से सुन के आऊँगी. तो 4 बजे है वहाँ पे, अभी मेरे पास इनफ टाइम है रेडी होने के लिए, लेकिन पता है आपको ना, बहुत अच्छी तरीके से रेडी होना पड़ेगा तो उसमें टाइम लगेगा. तो अब मैं सीधा रेडी होने जाऊँगी. और आप देखिए मेरी मेहंदी कितनी सुंदर और कितनी अच्छी लगी है, कलर बहुत प्यारा आ गया है, प्रिटी सा. मुझे लग रहा था कलर कहीं हल्का ना रहे इस बार, क्योंकि काफ़ी कम टाइम के लिए लगा पाई थी मैं, बट कलर बहुत अच्छा आ गया. और जस्ट अभी बाथ लेके आई हूँ, और सिद्धार्थ गया अंदर, नहा रहा है वो. जिस दिन मैं लेट नहाती हूँ, उस दिन वो भी लेट नहाता है. तो सारी चीज़ें मैं एक जगह इकट्ठी करके रखती हूँ, और उसके बाद धीरे धीरे तैयार होना शुरू करते हैं. मैंने यहाँ पर ना सारा अपना मेकअप जो है एक जगह करके रख लिया है. इसमें हर चीज़ें लगभग, कुछ भूलूँगी तो बीच में उठ के ले लूँगी. यही सब मैं आज करने वाली हूँ. जितने भी मेरे पास पैलेट हैं वो रख लिए हैं मैंने. इसमें लिप लाइनर है और ये सारी चीज़ें, फेस मेकअप. इन दोनों में से एक परफ्यूम मैं लगाने वाली हूँ. दोनों मेरे बहुत फेवरेट हैं. ये यार्डले लंदन का बहुत ही अफोर्डेबल है, मॉर्निंग ड्यू. इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है. मैं मतलब ये मेरा गो टू परफ्यूम है. जब भी कहीं भी आती जाती हूँ मैं इसको ज़रूर लगाती हूँ. और ये भी बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, ये है इंगेज का. तो बाकी सारे मेकअप ब्रशेस, प्राइमर, ये वो हर चीज़ मैंने यहाँ पे रख ली है, ताकि मैं एक जगह आराम से यहाँ पे चेयर पे बैठूँगी, बैठ के आराम से मेकअप करूँगी. खड़े खड़े नहीं कर सकती हूँ, यहाँ खड़े होना पड़ता है ना ड्रेसिंग टेबल के पास, तो वहीं पे आराम से बैठ के मैं मेकअप करने वाली हूँ. मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं फटाफट तैयार हुई हूँ, बहुत टाइम लगा के आराम आराम से मैं तैयार हुई हूँ. कम से कम 1.25 घंटा मुझे लग गया था. बस अब लिपस्टिक लगा ली, फाइनली बची है. और कैसा लगा आपको मेरा लुक और मेरा सूट, जो मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाया था. मुझे लगा मैं उसी दिन दिखाऊंगी, पहले से क्यों दिखाना. तो ये वाला सूट मैं लाजपत नगर से लेकर आई थी. मुझे इस बार पूरा, वो कहते हैं ना, नई नवेली दुल्हन की तरह, वो वाले कलर्स ऐड करने थे. और ये सूट ना जाने क्यों मुझे भी स्क्रीन पे रेड लग रहा है, बट ये रेड कलर नहीं है, ये थोड़ा पिंक और जो पेटल्स होते हैं ना रोज़ के, कुछ उस टाइप का कॉम्बिनेशन है. इस पे गोल्ड एंड सिल्वर का वर्क है, मेजरली सिल्वर वर्क है. और इस तरीके से मैंने कुछ अपना हेयर स्टाइल किया है, बिल्कुल सिंपल सा. लंबी सी मांग भरी है और मेरा मंगलसूत्र, और एक गले में मैंने पहना है छोटा सा. कानों में ना मैं चेंज करना उतना पसंद नहीं करती हूँ, बिकॉज़ मुझे कान वाले ना पहन के इरिटेशन होती है, आर्टिफिशियल वाले. तो जो कान में थे मैंने वही पहन रखा है. अभी रात को सोचा था कि रात को चेंज कर लूँगी गोल्ड वाले, बट फिर यही पहने में रह गई. और उसके बाद आई हूँ मैं यहाँ पे. यहाँ का मैं पूरा नहीं ले रही हूँ ऑब्वियसली, ऑब्वियस रीज़न की वजह से. तो यहाँ पे कथा सुनी हमने क्लब हाउस में सारी लेडीज़ ने मिल करके. उसके बाद मैं गई हूँ छत पर, और वहाँ सूर्य को इस समय जल चढ़ाते हैं. और एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई, आप मेरे बालों में जो पीछे देख रहे होगे ना सिल्वर कलर का, वो एक्चुअल में रियल सिल्वर का एक क्लिप है, और ये पेयर में है, और ये मेरी नानी के हैं. तो इस बार फर्स्ट टाइम मैंने वो क्लिप अपनी बालों में लगाई है. और मुझे तो इस बार का आउटफिट बहुत ही कम्फी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, और जैसी वाइब मैं सोच रही थी, जैसा मैंने इमेजिन किया था, बिल्कुल उसी वाइब के साथ तैयार हुआ.
तो आपको कैसा लगा ये सूट? और जैसे मैं तैयार हुई आप मुझे बताना ज़रूर। वहाँ से वापस आने के बाद मैंने तो थोड़ा सा रेस्ट किया, सिद्ध अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चला गया और हस्बैंड थोड़ा सा जल्दी आ गए आज ऑफिस से। तो 6 o'clock हो रहा है, तो अराउंड 4:30 वो निकले थे ऑफिस से, तो आराम से शाम तक पहुँच गए हैं। और इन्होंने भी अभी तक सूट तो देखा था ऑब्वियसली, बट पूरा लुक बिल्कुल भी, मैंने फ़ोटोज़ वगैरह कुछ भी नहीं भेजा था, तो फर्स्ट टाइम ऐसे देख रहे हैं। ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना, इनका रिएक्शन बहुत ही ठंडा होता है, बिल्कुल ज़्यादा तारीफ़ नहीं करते हैं। बाद में बेशक करें, इमीडिएटली तो बिल्कुल भी नहीं करते हर हैं। बार तो मैं ना खाना बहुत जल्दी बना लेती थी, दोपहर में ही तैयार कर लेती थी, बट इस बार ना मुझे पता नहीं इतनी वीकनेस हो रही है, आपको ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। आज सुबह जब मैं उठी थी ना, उसी टाइम से इतना वीकनेस वीकनेस वीकनेस, अजीब सा वीकनेस लग रहा है। और वैसे भी पानी के बिना मेरा बुरा हाल हो जाता है, खाने के बिना भी होता है लेकिन पानी के बिना ज़्यादा होता है। तो अभी फ़िलहाल सिद्धार्थ ने काफ़ी चीज़ें फैला रखी हैं, दोपहर में उसने अपने आप खाना गर्म करके खाया था, तो इसको थोड़ा क्लीन करती हूँ, उसके बाद अब मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। इस टाइम 6 बजे से ऊपर हो चुका है, तो काफ़ी कुछ सोचा हुआ है, देखते हैं कितना एग्जीक्यूट कर पाते हैं। छोले मैंने भिगो दिए थे मॉर्निंग में, तो छोला तो एक बनेगा ही, उसके साथ में आज कढ़ी चावल ज़रूर बनता है तो वो भी है, और छोले के साथ पूरी बनाऊंगी और रायता वगैरह ये सब रहेगा। तो हर चीज़ मैं खुद नहीं कर रही हूँ, ऑब्वियसली हस्बैंड ही बनाने वाले हैं। मैं बस ये जो काम है ना जो उनसे अच्छी तरीके से नहीं होते हैं, जैसे ये प्याज लहसुन ये सब पील करना, मसाला बनाना ग्राइंड करना, ये सारा जो काम होता है ये मैं करके दे रही हूँ। बाकी सब्ज़ी और खाने को टेस्ट जो है वो वही देंगे, मतलब गैस के पास खड़े होके खाना वही कुक करने वाले हैं। अभी वो गए हुए हैं मिठाई और फल लाने के लिए पूजा में जो मैं चढ़ाती हूँ। समझे ना, थोड़ा भारी डरा बन रहा है। किचन में जब हम नहीं कर रहे हैं ना तो माहौल बन रहा है। मैं आऊँ तो जाऊंगी ना, तो आप ऐसा खाना बनाओगे ना खराब सा। तुम्हें खाना A1 मिलेगा, A1 क्या बोलो? A1 यस। तो बनाओगे? हाँ। अरे तेज पत्ता मुझे लगा निकाल दिया तुमने। तेज पत्ता उसमें भी डाला है मैंने, इसमें भी आपने डाल दिया। तेज खाना ना, तेज खाने के लिए तेज पत्ता तो खाना होगा, दिन भर भूखे रहे तो भी तेज खाओ ना, चाहते भी। और भी तुम देखो कि ऑफिस आके मैं कितना सुस्त हो जाता हूँ, आज देखो तुम कितना फुर्ती दिखा रहा हूँ। इसके साथ और खाना क्या पसंद करोगी? छोले चावल हो गए, और बताओ कड़ी और बताओ क्या? पूरी भी जरूरी है क्या? ये वाला तलना नहीं, उसमें तेल डाल के वो वाला करना। अरे तुम्हें पूरी पसंद है ना, तो इसलिए नियम बना दिए, तुम तलना पड़ता है, सब तला के पता है। बच्चे के नाम पर कभी बिल फाड़ के बना दोगी, मेरा जो फेवरेट है वो उसको साल साल भर बाद बनेगा। अच्छा बताओ ना, अभी लास्ट में कब बनाया करेला वाला भरवा? और खाली करेला का गाना क्यों गाते रहते हो? करेला करेला। और बताओ, और मुझे वो पसंद है पोस्टो का, वो क्यों नहीं बनाती हो? जब तक मैं बोलूंगा नहीं तो बनाओगी कभी? चलो कल पोस्टो बनाना, पोस्टो बनाना चलो। सारा खाना हमारा बन गया, रायता और ये है हमारी छोले और पनीर की सब्जी। कोई भी रेसिपी मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रही हूँ, मैंने बनाया है, हमारा बन गया मतलब बोलो इन्होंने। अरे मैंने क्या, हाँ इन्होंने बनाया है जिसमें मैंने सारा सपोर्ट किया है। ऐसा पनीर का कलर पहले कभी नहीं आया था तुम्हारे से। हाँ ये चावल चावलों की क्लोज अप दिखाओ ना, ये कैसे खड़े खड़े चावल निकल आई है चावलों की, मैंने बनाया है। और कुकर में कढ़ी बनाई गई है, बाहर भी कढ़ी खिला। और ये देखो गैस को भूख लग रही थी। इसमें पकोड़े नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, अरे ऐसे ही खा लेंगे। कढ़ी चावल छोले पूरी और रायता और पापड़, ये आज का हमारा डिनर है। पापड़ बनाओ ना। सिद्धार्थ पूरी को गोल गोल कर रहा है, हम पूरी को बेल रहा है और ये शेक रहा है। सबसे डिफिकल्ट काम मैं कर रहा हूँ, पापड़ तल। अभी मत तलो पापा, पहले पूरी बना लो। ये चिमटा नया चिमटा लिया क्या? तो कई महीनों से है घर में ना, इस चिमटे में वो बात पता चलता है कि कितना किचन में आते हो आप। इस चिमटे से ना ज्यादा बढ़िया वो वाला चिमटा है,
कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, उसमें पकड़ में नहीं आ रहा ठीक से। पापा जल्दी करो, सबको भूख लग रही है यहाँ पे। दो मिनट रुको, नहीं अभी आएगी। अच्छा खाना खाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है बेटा। पापड़ ऐसी वैसी चीज नहीं है। पापड़ मैं तो खाने नहीं वाला हूँ, लास्ट में भूनने थे, मम्मा को खिलाना भी तो है मुझे। ये कास्ट आयरन वाले में क्या बहुत लेट गर्म होता है क्या? तो ठीक नहीं है, कास्ट आयरन को ही दूसरा लो। ये सबसे ज्यादा खुश है, चांद आ गया। देखो ना पूजा कैसे शुरू कर दूं, पहले आप तैयार तो हो जाओ। बनियान में घूम रहे हैं सब लोग, पूछे कह रहे पूजा। अरे वाह चांद तो आ गया, बट थोड़ा और होना, कोई होने दो गोल अभी। इस बालकनी में जगह बहुत कम बची है, बिकॉज़ वो विंडो वाला एसी वगैरह लगवाया हुआ है ना, तो इस वजह से कभी इधर कभी उधर होके हमें पूजा करनी पड़ी। फाइनली पूजा हो गई और इस बार चांद ने ज़्यादा वेट भी नहीं करवाया, बहुत ही टाइम पे चांद आ गया था और बस व्रत खोला। मतलब इन्होंने व्रत नहीं रखा था, लेकिन मैंने व्रत खोला, पानी पिया, मीठा खाया, इनको भी खिलाया और उसके बाद फिर हम खाना खाने जाएंगे। आशा करती हूँ कि मेरी तरह आप सभी लोगों का भी करवा चौथ बहुत प्यार से बीता हो, बहुत अच्छे से गया हो, बहुत आप लोगों ने इन्जॉय किया हो और इस दिन को खूब अच्छे से सेलिब्रेट किया हो। तो हमने भी ऐसे ही किया। हाँ थोड़ा आज मेरा एनर्जी लेवल ज़रूर कम था, बट फिर भी सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। और जैसे ही पानी जाता है ना गले के नीचे, वैसे ही बहुत चैन आता है। तो मैं अपना चुपचाप खड़े होके यहाँ पे अपना जो बर्फ़ी का पीस है वो एंजॉय कर रही थी और यहाँ पे इन्होंने मुझे शूट कर लिया। चलिए अब खाना खाने चलते हैं, जो सिंपल सा आज हमने खाना बनाया है। आज सब कुछ इन्होंने ही बनाया है समझ लीजिए। तो ये पनीर की सब्ज़ी है और सारी चीज़ें हैं, यही आज का हमारा खाना था। और आप लोगों ने क्या क्या बनाया करवा चौथ पे मुझे ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत सारे लोग बाहर भी खाने जाते हैं, अगर ऐसा है तब भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और बस आज तो मुझे एकदम थाली लगी लगाई मिल रही है, मतलब जैसा मैं हमेशा करती हूँ उनके लिए वैसा ही मुझे किया हुआ मिल रहा है। तो बढ़िया से थाली सजा के मुझे दी गई है, जो मैं खाऊंगी और हम सब लोग मिलके खाएंगे, इंजॉय करेंगे। और ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।